अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आपको आज जो है ना वो विज़िट करवाएंगे कुछ एरियाज़ का, जिसमें स्वात स्वात से लेकर रवात का निशीदा रोड है, फिर रवात से जो रोड जा रहा है अपना उसकी तरफ डिबेरन की तरफ, उस रोड पे वहाँ पे धमाली है, उस रोड पे वो गांव है। तो ये एरिया है, ये तो खास जो आप सामने देख रहे हैं, ये तो एरिया आपको धमाली से निकलें तो जो रवात है जो कलसीदा रोड की तरफ आ रहा है ये वो एरिया है। तो इस एरिया पे हम आपको मतलब ये कलसीदा वाला एरिया कलसीदा रोड है, रवात के कलसीदा रोड, तो हम आपको इसके बाद दिखाएंगे धमाली को जो रोड जा रहा है, जो दुबैन को रोड जा रहा है वो रोड है। बेसिकली ये इसका मैं आपको रास्ता बता दूँ कि आप रवात से निकलें तो जब कलसीदा रोड पर आएँगे तो कलसीदा रोड पे काफ़ी आगे तो आपको लेफ़्ट साइड पे मुड़ना पड़ेगा, तो ये दुबेरन के लिए। तो इसमें अब जो बड़े ख़ूबसूरत नज़ारे हैं, बड़ी ख़ूबसूरत जगह हैं, अगर आप लोग में से कोई बंदा जो है इधर इस एरिए में घर बना के या इस एरिए में कोई फार्म हाउस टाइप बना के रहना चाहे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एरिया कितना मज़ेदार, कितना खूबसूरत सा एरिया है, और आप इसको इंजॉय करेंगे कि एक इस्लामाबाद रावलपिंडी के नज़दीक एक बड़ा अच्छा साफ सुथरा सा एरिया जो है ना वो मौजूद है, जिसमें अच्छे अच्छे ग्रीन ग्रीन एरियाज हैं। तो देखिएगा आप इंशाल्लाह इसको वीडियो को अगर देखते जाएँ कि ये आप इसको देखेंगे, इसको इसमें आप इस एरिए का विज़िट करें और इसमें कभी आउटिंग पर जाएँ। इधर काफ़ी मतलब आप जाएँ तो थोड़े से अप्स एंड डाउन एरियाज हैं, जहाँ पे बैठ के आप थोड़ा सा खाना वाना बना सकते हैं तो खा सकते हैं। तो बेसिकली तो आपको इस एरिया से जो है ना वो थोड़ा सा दिखाने का था कि ये आप देखें कि आप इस बात से जो है वो पहले सीधा वाले रोड पे हैं मौजूद इस टाइम। इसके बाद नेक्स्ट है इंशाल्लाह आपको वो धमाली और दुबैरन वाला एरिया दिखाएंगे, वो भी बहुत अच्छा रोड्स है, बहुत अच्छे खूबसूरत रोड्स बने हुए हैं। इसमें यह है कि कभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को, जाएं देखें कि कौन कौन से एरियाज हैं, और सम टाइम आपको दिखाने का मकसद भी एरियाज यही होता है कि जब हम लोग, चूँकि मैंने भी ये इसको आई थिंक सेकेंड टाइम एक्सप्लोर किया है, तो ये हम उस छोटे रोड पे आ चुके हैं, तो इसमें आप देखेंगे साथ साथ कितने अच्छे प्यारे जो है वो घर हैं बने हुए, और अच्छा जो है वो गांव टाइप आपको इसमें एक टच नज़र आएगा, है डेफिनेटली गांव है, तो इतना कोई ये दूर रास्ता भी नहीं है। तो जो लोग गांव एरिया से घूमने फिरने के, तो अगर वो कभी आउटिंग के लिए जाना चाहें तो इस एरिया में ज़रूर जाए, इस एरिया ज़रूर भी जाए, खूबसूरत और अच्छा मज़ेदार है। अब आप इसको देखते हैं, हम तक देखते हैं इसको, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है कि ये रवात से कलसीदा रोड है, और इसमें तकरीबन कोई 20 किलोमीटर आगे जाके तो लेफ्ट साइड पे दुबैरन एक गांव है, उस साइड पे ये पहुँचता है, उसमें धमाली दुबैरन अच्छे मतलब खूबसूरत एरिया है। और मैं ये देख के रहा रह गया कि इतने अच्छे अच्छे ब्रिजेस बने हुए हैं एरियाज में, मतलब ये जो लोकल नाले हैं इनके ऊपर अच्छा सा वो एक खूबसूरत मतलब अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई है ब्रिजेस के हिसाब से, कि इतने दूर एरियाज में इतने बड़े बड़े ब्रिजेस नॉर्मली कम पाए जाते हैं, यहाँ पे मौजूद ये अब धमाली के पास फिर रहे हैं। अगर कोई बंदा देहात की ज़िंदगी एंजॉय करना चाहे तो बेशक इस एरिया में अपना घर बना के या अपना डेरा टाइप बना के तो रह सकता है, और जैसे मतलब उसको थोड़ा सा मतलब ये नहीं है कि परमानेंटली आप रह सके, बट अगर आपको कभी एक दो दिन के लिए जाना हो तो बिल्कुल चाहें इस एरिया में जाके अपना विज़िट करें, रहें,
पीसफुल एरिया, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि इसमें कोई ऐसा वो चीज़ नहीं थी। आप ये देख लेंगे ये यहाँ से आस पास की आवाज है, ये कितनी मज़ेदार बात है। और रोड के बाइक अच्छा है, मतलब वो भी कोई इशू नहीं है, कैसे होंगे पता नहीं, किस तरह से होंगे। रोड अब लग गया मज़ेदार है, ये साइड से चेक करें। ये है रोड जो दोबेरन से रोड आ रही है और ये जाके टच करेगी सीधा रोड कबाद कलर से। ये बड़ा अच्छी तरह कितना खूबसूरत ये मैं ब्रिज कह रहा था कि देखिए कितना बड़ा ब्रिज है। और मतलब नॉर्मली गांव एरिया में इतने बड़े ब्रिजेस नहीं होते हैं, लेकिन अब देखें कितना बड़ा ब्रिज है, मतलब कितना डेवलप्ड एरिया है। ये नीचे एक वो नाला टाइप चला है जो कि वोमन ये पहाड़ी एरिया में होते हैं कि वैसे तो सारा सब खुश्क रहते हैं, लेकिन जब बारिशें बारिश होती है यहाँ से पानी निकलता है। आप इस वीडियो को एंजॉय करें, इसके बारे में मज़ीद इस एरिया के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, इंशाल्लाह उसमें हमसे मज़ीद डिटेल आपको किसी और एरिया की डिटेल देंगे। ये फिर देखें, ये देखें कि ये वो सेम जैसे पहले ब्रिज था, एक और ब्रिज आ गया। मैं ये ब्रिज देख के बड़ा हैरान हुआ कि मतलब इतने डेवलप्ड एरिया था ये, हालांकि इतने छोटे छोटे गाँव, इतने बड़े गाँव नहीं है, बट माशाल्लाह इतने अच्छे को रोड नेटवर्क दिया गया, इतने अच्छे ब्रिजेस दिए गए हैं। तो जिसकी वजह से मतलब मैं इसलिए बोल रहा था कि आप अगर इस इलाके में इसको विज़िट करें, तो आपको बंदा अगर फार्म हाउस टाइप या कोई इस तरह घर वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो ज़रूर इस एरिया को विज़िट करें। तो मे बी उसके लिए इसमें कोई अच्छी चीज़ उसको यहाँ से देख लें। जो आउटिंग का शौकीन है वो इन एरियाज़ में आए, वो अपने लिए कोई अच्छा यहाँ पर कैंपेंट देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।